सर्वोपरि त दौरत रे लागत मु सुस देख ले लेबा दौड़ से दौड़ चोखा बनी सरवा दौड़ते आके लागल होगे कर सला हम तो सोचनी है कि मुझके पीछे भागा तारे आताओ ए कोड़िया मुझ झूला ताके धोले ज्यादा बोला था धर दई सरवा के बेटे के मुंह आदी सारे का करता है सब पोखरा मेरे बच्चा ऐठा खात खात गार बैठा हो जाई लेकिन मछली ना बेटाई है देखा गराई निकल सारा सा निकल जल्दी पोखरा में से मालिक आवता रहल ओ रुक साला का कर दे पोखरा में रे रुक जी मालिक लइका सा ऐठा बिनत रहला खसा साला पोखरा में ऐठा बस सच बताऊ ना त सबनी के गोली मार दे मालिक हमनी का मार दे ओ मालिक हमनी का माछी मार देने सा सरहू मछरी खाए के सपना देखा तारा मछरी भेजनिया मूस मारे ला तो बाप के जूझ मारे लगला ये तो मूस मिली तब न मारम आ मछरिया ले आती तो हम अकेले खाती कि तू खाए तेरे साला अरे मारी पापा मार के मुंह हाथ फुला दी ए हट बड़ा मजाक कइले जो एक बोतल तारी धो दिल बनी जाके पी ए देख बाप बेटा का प्यार आ सीख भाइयो तू लरुआ नुबा एक बार सुतला पर झाटे नोच के भाग रहे तब से बड़ा प्यार करी ले हां दो लड़ुआ हो कि तीन लड़ुआ हम जान ही लेना ओए रुक तू हमरा जमीन में काया आवत रे ई तो और जमीन हो कि ना ए चल जो हां ई हमर जमीन बा ओ मजाक दूसरा से करिए समझ ले कुछ हफ्ता पहले तू एकरा के पैसा ना देले रहस त पिटात रहस अच्छा उ सब तो ठीक बा लेकिन अभी हमरा जमीन पर से हट ए जा तनी डनेर धके ना जाए जो रे साला जो का हो तेल पकचा मछरिया फ्राई हो गए लोके त ले आवा दू पीस तारी पखी चाओ हानू बाप के गार फ्राई बा खइबे का रे तोनी के मार ना पड़ल ह का मालिक से मछरी के पकराई में मार तो बड़ी बढ़िया पड़ल ह लेकिन हरदी पिसवा के तनका चाट लेनी है त दरक फाट गेल ह सर औलाद खा के आयल बारन कइले बारन देखला चेद ए सुन ना चाचा अगर तू एक बाप के पैदासी ना रहते नु तो तोरा मुंह में पैर खोल के छिया कर देती छिया करबे ए सुन ना तुम्हारे स ई सरवा भाई सुअर लखन हरामी गुखोर लइका पैदा कर देले बा मदर चदौ प्रदम तुम धिया जाइबो चुना पांच चुदो ना इस सरह रोज मुंह खा के खुश रहता रहन त लोग के पाद के उधिया दिहन इतना गार बढ़िया रहल बा सरह के ए तेल पक भाई वा समझाओ समझाओ अपना बेटवा के ए सुनत तुम्हारे इस साला हमरे के भाई कहता ए तेल पक त कथि लगबे ई लगता तोहर दादा हम लगबो तोहर बाप मतरिया तो ढमढुसरी त पूछ ली बताओ ये बात पर अगर दुआ ढाई गो नटी कटा जाए तो लोग तो कही कि तारीफी के कटला खा ए हां खाजा है कि काट दे बे त तू गेले ए ए ए चुप चुप अ चुप साला कर रे तल पकवा चा बिशुआ के बेटी के दल घोटनी के अगुआ आलबा तोरी पैसा वापस ले ले बड़े का रे ना रे साला अगुआ आलबा साला बिशुआ काट दे आग लगा दे
एकदम चला मौगल लेखन रुवत रे चल देखिले कैसे बेचले वाले अपन बेट ए चोर तो नसो देखल जाओ चोर देखो जूझीलाल बिच्छू बाबू पूंजीलाल अच्छा अच्छा पूंजीलाल देखो पूंजीलाल हमर बेटी कहीं से काटे वाला नहीं के रहुआ ओकरा से दिन भर खेत में खटवाऊ उ सारा दिन बैल लेखा खटी ठीक बात बेटी के बुलाओ बेटा हमर एक बार देख लेबो अरे बेटी ताइए जाई पहले जितना पैर रखो उतना पैसा गिनू कारे बिछुआ केकरा से पूछ के दल घोटनी के सौदे करत रे रे सारबा तोमर मालिक बारे कि तोरा से पूछ के अपन बेटी बेची ए तो तोरे घर में दमू साला हमर दल घोटनी के बेचले बेके तो तू गो के लेबे के रे साला बेफात बिजनेस मैन लेके शादी कर दनी अपना भतीजी के वो 11000 रुपया लेके आहा 11000 रुपया हाई तरवा के मुस के पकड़ाई में जब गार में सांप कट ले रहा है ये तेल पकवा 27 रुपया लगा के बहन चोत के जान बचे ले रहा है ये वादा पर की अपन बेटी के बियाह हमर बेटा से करी हां रे सारावा तोइका दे रुक खरे खरे तोरा मुंह पर 27 गुना 47 रुपया मारत आनी आ कह दिए तुमने बेटवा के कोनो लमंडा फाउंडा से शादी कर लेता हूं ए सराहू ओ जमाने के 27 रुपया मतलब अभी के 27000 चाचा जी लइकावा कथी के बिजनेस करेला कलकत्ता में रोडे रोडे चुमुक से डाके पैसा कमाला हां चुमुक से डाके हां लोहा लकर पैसा कौड़ी सब सटलई आ चार गो स्टाफ रख लेबा हतरी बहन के चाचा बेटवा के तेल में फ्राई कर देले रहला का कि सरवा जोर के झोकर गेल हवा ना ना ये तो चुमुक से लोहा लगर सतावत रहे एक बार गलती से पोल के अर्थी में सता दिल ओई से जोर के झोकर गेल बा सरवा तबे तो इतना रुपया फेंके के पड़ता हां तो रुपया फेंके तारे नु तो दूसरा बेटी हवा लगे जाके फेंक ना तो तोरा के आई तोर झोकराल मोकराल बानर लइका के फपेली में हाथ लगा के फेंक दे हमरा के फेंक भी हमरा के पूंजीलाल लांबा पूंजीलाल पूंजी पर गुमान कर ले हमरा में पूंजाओ तोरा ए पूंजीलाल पूंजी तो नहीं खे लेकिन तोहर बेटवा के मुंह से बनिया हमर जूजी बा सुनो तू बानी समी साहब कमला सरवा के लेके भाई ए हाय सरवा के तो बानी साला हमर दर घोटनी के दोसर के घोटी आ हम घोटे दे कर बाबूजी ए पूंजीलाल तू ठीठे शादी कर देखा तनी कमला सरवा के बच्चा तोरा के शादी करे से रोक लेता ए चाचा प्रणाम ऐसन लार से झटका मारम कि दोनों बाप बेटा के देह में सहूर ना रही ए तेल पकवा के साथ ज्यादा बड़का लार हो गेलो ज्यादा बड़का नपई भी आओ नप ए हट जो अपन लार अपने बाप के घर में कुछ हट तोरी बहन के चाचा ए ए चल मालिक बोलाओ थाउ क्या कैसे पूछ के बेटी के अगुआ कुलम बोले रे बारे जा मालिक से आदेश ना ले ले बानी कैसे ले बसरा हूं कैसे पैसा देखे त रिया गेल बारा बिना मालिक के आदेश से गांव में लोग हो गेला ना आ तू बेटी भी आए चलल बारा चल मालिक लगे सर चल जब मुंह में हो गई हन तब करिए बेटी के बियाह चल भैया चल ना मालिक पूरा घर यार यार बाबू बियाह कर जाएगा का कर जाई चार पांच जाय लागी त दियाई तू खेते खेते घरे जा अपन लगावा हम रिश्ता फाइनल करके आवतन मालिक आज बस छोड़ दिया अगला बेर से हम बकरी रहुआ खेत में ना चरी अब अपना गांव से जा रहा हूं खेत का ख्याल रखम भाग साला जो ना मिली बकरी तोरा हिम्मत कैसे भेल रे हमरे खेत में बकरी चरावे के छोटे मालिक बोकवा ने बोबिया देलक त बकरिया हमर लिबलिबा के चल गेल रहुआ खेत में कोई दिन से बाहेल गरमाइल बा भूसरी बकरी गरमा जाता अभी तोरा मालूम है नहीं के जो रास्ता से चल दिले हगत आदमी उठ के सलाम करेला ओकरा बाद पूरा हो गेला बउआ हे बकरी के ले जाके मड़ई में बहाना आज एकरे बोझ होई नाली छोड़ दिया बकरी गाभिन बा आज बिहान में बियाह वाला बा हट हट साला सुगर के बच्चा तोड़ सके सब कैसे बे हमर खेत में बकरी चले हट साला आगे ना तो साले जाने से मार दे अच्छा मालिक सराउ जा तनी डालडा पी के सब बाबू तोरा खेत में छेड़छेड़ भरम अरे बिछुआ एने आउ तरे साला केकरा से पूछ के बेटी के कुटुंब बुला ले रे जी मालिक हम नहीं की बुला ले अपने मन याल बा सरवा कुटुमी चल हट हट पीछे हट दे में सटे बेकार सरवा कौन साला कुटुंब रे कि हमरा से बिना पूछ ले दुआर पर आगिल तोरा जी मालिक हम ही है कुटुंब पूजी लाल लांबा हमार पूजी पर गुमान करी ले सुननी आई गांव में रहुआ बिना अनुमति कोनो काम ना होखेला यही बात तरुआ के हम सलाम करी ले
कुणाल बाबू ये तो साला हमनी के सामने मोच पर ताव दो ता जा तनी ले जाके मोच पर तेल लगा दो। ए पूजीला चल चल तेल लगा दियो। ए का रे तोनी का लाल बड़े तोनी का दिक्कत बा मौगा सरवा बगर नियम खारा बार जी मालिक। एगो लड़की के हम खिया पिया के जवान कहनी तो कहला ब्याह करेला और लड़की के है बाप सरवा दूसरा से ब्याह करेला बेचैन बा ते पर हमार बाप 27 रुपए दे के लड़की के लड़के में खरीद ले रहे। अब रहू ये बात पे अत्याचार करू विचार हो कल सरहू चुपन ससुर से रहू न तो एक रात में हाँ दे रे सरवा कौने गुण तोरा से ब्याह करतौ रे मालिक के सरवा के चाल ऐसा बाकी एक मुँह में कुत्ता ना मुती रहुआ तो अपन बात छोड़ दू। मालिक गांव के लड़की तो बहन लागे लिस आई सरवा तेल पकवा के लड़का बहन जैसा लड़की से ब्याह करी। ए सुन ना अगर दलघोटनी तोहर दाई रही तो तोरा दाई से ब्याह करत हम तोरी बहन करा दे पर सरवा के खींच के बढ़ चढ़ के बोलता तू बहन के तो साला संधि की आवाज लगाता कारे बिछुआ चा देह में सट के माटी लगा दिया माधव चोद कारे सरों के जाम सा जब जाई गान में दुगो पितर वाला गोली तो सारा बंद हो जाई तोनी के भीतर वाला बोली। मुंह में मुतला ना सका पूजीलाल तनी मोज पर से मुंह हटाऊ मने मुंह पर से हाथ हटाऊ तईका हमनियो का देखी तिलाल मोच का रे जूजीलाल जी मालिक पूजीलाल। अच्छा पूजीलाल कितना रुपया में सौदा कर लिया बिचुआ के बेटी करे। मालिक 11,000 रुपया 11,000 जी मालिक ऊपर से करिया झोकराल मुकराल बानर लेखा लोई का पैसा के दम पर बेटी बेचता सरवाई बिछुआ। हाँ रे सरवा हमर बेटी बाटे तो बेची ना कहीं तोरा लौटचट जैसा लड़का से ब्याह कह दी। हाँ रे साला गरचट 27 गो रुपया बा गरचट आई में ले ले रस। ए लौटचट गरचट सुन ले बिछुआ बेटी के ब्याह से पहले हमरा लग 5,000 पहुंच जाके चाहिए। मालिक रउआ के 5,000 दे देम हमरा बची का 6,000 बस सरवा समझी करे बाबूजी एकरा मतलब ई सरवा हमरा से ब्याह ना करताऊ। हां तो तू काहे ला चिंता करत रे बियाने नया कुटुंब बुलावत नया बियाने नया लड़की की नाई भाग सरवा ब्याह ना करबे तो भाग चल चल जकर जहां होई खत्म तू चल कहां ब्याह होई चल दोसर सा लेके ले हम। अरे ध्यान रखिए शादी में बजाओ जाना बजावे ना तो आगे चल के मुड़ी पर चढ़ के मुते लागी। बाबू 27 रुपया में ई लोग के भोर झोरा झाट हो गेल अब बाले बच्चे मोछ बनाई लोग। साला मौगा छोट भाई से डराता हमार छोट भाई रहे तो मकई के सतुआ पी के मुंह पर छेर देती। चुप साला कड़ी से कड़ी का हमार मतारी कह के मरल बा के हमार छोट बेटा के कुछ रेप ना बोलिए भले जान से मार दिए। मतारी रहू के कटासिन सरवा कुटुंब आए आई आई प्रार्थित लाल जी आई प्रणाम जी प्रणाम सबके के प्रणाम। ए हाथ नीचा रखी सबके के मुंह मारे के बा बैठी आए जो जाके पानी लिया। सार लोग के बा सार लोग भाई भतीजा हो। अच्छा एक लोटा पानी आवे हई बिस्कुटवा बोर के खाई कम चलाई भेल बा 17 कोसनु बा रास्ते में काहे ना खा गेनी है लगा तो हमने बिस्कुटे नहीं की खाइले कारे तल पकवा दूरा बा कुटुंब बुला ले खा लेना पूछले है बाप के जिज्जी बनैले बानी की तोरा के खा ला पूछी। ए तो तू एहिंगे बेटा के रिश्ता फाइनल कर लेबे बिना समाज के खियाइले। ए झुटैला जुजिया के भुजिया आ गार के चोखा बनैले बानी खइबे इतनो पर झटैला साला सुनते बा उठाओ माथा फाड़ दे बा ए हट माथा से बांस फट।
साला इतना मुस्काए वाला हमरा गांव में चप्पल जूता पहन के घूमे एकरी बहन करा के लाश के बूझा बूझा साहब चली गांव में घुसी है फायरिंग चालू करी चल बताओ साला गांव में कौन जूता पहन के आइल बा जूता चप्पल पहन के लाश सब बने के सामने देखा साला सब लोटे में पी गिलास लेके आ ए पिए के होता पी ना त हमरा लार पापा एक बार वो तो छावे धैले बन रवा के तो लोटा में दिया पानी पिएला हमनी के तो कॉल में मुला करके पी लीले आपको तारीफ करू जितना मन करो उतना करू हमिए ना है होनहार लड़का अच्छा तो रवे लड़का है हैली बिस्कुट आ खाऊ लाओ करे तेल पकवा जटैला गांव में जूता चप्पल पहन के कौन आइल बारे जूता चप्पल मैं पहना है आपके गांव के शान बढ़ाने के लिए अरे बाप रे हमने का चप्पल जूता तो दूर सोचे ले गांव में गोर कटवा के चलती आई साला जूता पहन के आ गेल हो गेल हो गेल कौन साला गांव में जूता पहन के घूमता जल्दी बाहर निकल जो ना ए ओके बदला में कितना लाश गिरी कोनो ठीक नहीं के पिताजी हम घर वाला बाहर कुर्सी लगा के बैठेला ओकरे घर में जूता पहन के कोनो घुसल होई 10 साल के घुस घर में जूता नुकाओ जूता आय मास्टर वा के आय टाइप कर ले पा रे सरवा जूता नुकाओ छोटे मालिक केहू के मजाल बा गांव में जूता पहन के घूम जाए साला मुंह से इठा खाए वाला जूता पहन ले बा पिताजी माथा कुछ दे जान बचाओ बाद में जाओ इसे देखा जाओ।